इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान ढाका लैंड कर चुका है। जितने सुरक्षा के प्रोटोकॉल होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका पालन किया जाता है, और इसलिए दरवाजा खुलने के कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री फिर बाहर निकलते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी अजय जी ने बताया कि ये भी अपने आप में तस्वीर इसलिए खास है कि जितनी भी विदेश की यात्राएं हैं उसके लिए खासतौर पर ये विमान जो भारत ने ऑर्डर किया था उसमें से ये पहले विमान की तस्वीर आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और दरअसल इसे आप भारत का एयरफोर्स वन कह सकते हैं, और तमाम तरह की सुरक्षा के प्रतिबंध इंतजाम इस एयरक्राफ्ट में है, चाहे आप उसे रॉकेट डिस्पेंसर्स की बात कहें, एंटी फ्लेयर गन्स की बात कहें, तमाम तरह की एयरफोर्स वन भारत का कहा, तो क्या इसमें वो खूबियां भी हैं एयरफोर्स वन वाली? बिल्कुल, वही मैं अभी बता रहा था कि वो तमाम खूबियां इस एयरक्राफ्ट में भी हैं, और इस तरह की तीन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भारत ने दिया था, जिसमें से पहला जो कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इत्तफाकन जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ये पहला मौका भी है जब 15 महीने के बाद इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री जी की जिसमें इस विमान का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, इसका जो डिज़ाइन है उसके लेआउट्स कई बार इंडिया टीवी पर हम अपने दर्शकों को दिखा भी चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस महत्वपूर्ण मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उसका भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर किस किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, ढाका जो आज मैं आपकी तस्वीरों देख रहा हूँ, कल से आपसे लगातार बात हो रही है, जो तस्वीरें ढाका आज की मैं देख पा रहा हूँ, जब मैं गया था आज से तकरीबन 8 साल पहले, बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। ये बदलाव क्या भारत और बांग्लादेश के संबंध में भी उतना ही प्रखर है? जी, कहावत है कि जब पड़ोसी साथ में प्रगति करते हैं तो बदलाव साफ दिखाई देते हैं। भारत और बांग्लादेश के व्यापार संबंध लगातार पिछले कई सालों से प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। बांग्लादेश आज एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है, और उस बदलाव का असर ये है कि आपको यहाँ प्रगति दिखाई देगी, उन्नति दिखाई देगी, और आप ये देखिए कि प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की आज पाकिस्तान से ज़्यादा है, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान से कम कर्ज है। पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से ही टूटकर बांग्लादेश बना था और यहाँ बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी लेनी पड़ी थी, तो एक पैरामीटर प्रगति का पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक कंपैरिजन हो सकता है, उसमें बांग्लादेश ने अपने आप को साबित किया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की अगर बात करें तो वो भी अपने आप में प्रगाढ़ होते रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते लगातार बढ़े हैं, सामरिक रिश्ते भी बढ़े हैं। जब 2016-17 में एक ट्रिप हुई थी शेख हसीना की दिल्ली में, तो उसमें न्यूक्लियर, स्पेस और बाकी कई सेगमेंट्स में एग्रीमेंट हुए थे, और उसी तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स आज भी यहाँ दस्तखत किए जा सकते हैं। हालांकि नंबर्स अभी एमईए की तरफ से स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, गोल्डन जुबली ईयर है, तो ज़रूर भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को एक नए आयाम पर ले जाने की कोशिश है। पवन, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को भारत ने गेटवे टू ईस्ट की संज्ञा भी दी है, यानी कि हम पूर्वोत्तर देशों तक अपनी पहुंच बांग्लादेश के जरिए बना सकते हैं। म्यांमार को लेकर शायद उतने उत्साहित भारतीय प्रशासन नहीं रहा है। बांग्लादेश को इस नज़रिए से जब देखें तो ट्रैवल कॉन्ड्यूट के लिए, अगर आपको थाईलैंड जाना है, सिंगापुर जाना है, आपको बाकी कंबोडिया, लाओस, तमाम अन्य देश जाने हैं, तो इन तमाम देश पहुँचने के लिए सड़क के रास्ते बांग्लादेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये संबंध और कैसे मजबूत हो सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने की संभावना आपको दिखती है? जी बिल्कुल, आप देखिए कि कोरोना काल में जब पूरे विश्व में हवाई सेवाएं ठप थी, तो भारत के साथ बांग्लादेश के रेल लिंक कायम थे। 5 रेल लाइंस हैं जो बांग्लादेश और भारत को जोड़ती हैं, और इनके जरिए ही गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर किया गया, और कहा जा सकता है कि ईस्ट में कनेक्टिविटी का एक। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।